लोगों का कहना है कि 2-3 साल पहले ये सड़क बना, लेकिन स्थिति क्या है वो मैं आपको लाइव शॉट दिखा रहा हूँ। लोग काफ़ी चिंतित हैं, घरों में पानी घुस जाता है। कई लोगों का ये भी कहना है कि बड़े बड़े जो हाईवा है वो भी इस रोड में चलता है। खैर सड़क है वो तो चलेगा ही, लेकिन जिस प्रकार से हाईवा चलता है रोड पर उस प्रकार से ये सड़क नहीं है, जिसका नतीजा है कि लोगों को समस्या हो रही है। लोगों ने क्या कहा वो भी आप सुनेंगे। दूसरी बात कि नाले का निर्माण सही ढंग से नहीं होने के कारण यहाँ समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं, लोगों का चलना मुश्किल है, जैसा कि यहाँ के लोगों ने कहा। अब देखना यह है कि समस्या से कब तक लोगों को निजात मिलता है। देखिए किस प्रकार से सड़क बना हुआ है, नाला नहीं है, नाला है भी तो वो सही नाला नहीं है, जैसा कि लोगों ने यहाँ बताया। स्थिति क्या है वो आप देख रहे हैं। अच्छा क्या समस्या हो रही है सड़क के कारण, क्या समस्या हो रही है? समस्या तो देखिए रोड पे चलने के लायक नहीं है, जैसा फूही हो जाता है तो रोड बंद, ई रोड से चलना बहुत मुश्किल है। ऐसी समस्या क्यों बनी हुई है? नाला है, नालों है तो नालों, उधर नाले नहीं है, इधर नाला बेकार है। अच्छा रोड नगर निगम को आप लोग टैक्स देते हैं? बिल्कुल टैक्स देते हैं। और तब सुविधा नहीं है? तब सुविधा नहीं है, न झाड़ू पड़ता है न कुछ होता है। रोड में झाड़ू कैसे पड़ेगा, रोड खराब है, रोड खराब, झाड़ू वाला को क्या बोलेंगे हम? वो आता है झाड़ू देने, कहता है इसमें रोड खराब है, हम कहाँ झाड़ू दें, कहाँ नाला साफ। अच्छा कितना दिन पहले नाला बना था, सड़क बना था यहाँ पर? उतना तो याद नहीं है, तो समस्या दो से तीन साल हुआ होगा। वार्ड पार्षद बनने से पहले, हाँ ये लाला के लाला जो बना उससे पहले नन्हे था उस टाइम में। अच्छा वार्ड पार्षद, अच्छा मतलब समस्या समस्या ही है, समस्या वही है। कौन सा नाला बना, ये रोड बना फिर टूट गया। वार्ड नंबर 1 है? 1 हुआ। क्या नाम है आपका? जाल रहमान। देखिए लोगों ने जो बताया है स्थिति क्या है वो आप स्वयं देख रहे हैं, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ कि क्या स्थिति बनी हुई है। लोगों को चलना मुश्किल है, अगर सड़क नहीं है तो नाला भी नहीं है। और लोगों का ये भी कहना है कि सड़क छोटा है, यहाँ 10 चक्का 12 चक्का 15 चक्का हाईवे चलता है, हाईवा चलता है, जिस कारण लोगों को समस्या हो रही है। वैसे नगर निगम अब क्या करेगी या जो सरकार इस रोड को बनाई है उसे भी देखना चाहिए। देख लीजिए यहाँ नाला भी नहीं है, नाला पर से स्लैब जो है, स्लैब तो है लेकिन नाला नहीं है। नाला था लेकिन ट्रक के चलने की वजह से नाला बंद खत्म हो गया। लोगों का कहना है कि ट्रक के चलने के कारण नाला खत्म हो गया और देख रहे हैं कि वो नाला का कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ स्लैब है लेकिन नाला नहीं है। देखिए क्या स्थिति है, ढक गया रोड पर, बड़े बड़े गाड़ी चलने के कारण नाला सिमट गया और नाला बर्बाद हो गया। अब देख रहे हैं क्या स्थिति बनी हुई है, जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है। अब देखना यह है कि समस्या से समाधान कब तक होता है। लोगों ने कहा कि 2-3 साल पहले ये नाला रोड बना था, नाला बना था, लेकिन स्थिति बद से बदतर है, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया। मैं भी आपको दिखा रहा हूँ कि क्या स्थिति है। देखिए ये वार्ड नंबर 1 है दरभंगा शहर, यहीं से शुरू होता है और स्थिति यहाँ की क्या है। अगर ऐसी स्थिति वार्ड नंबर 1 का है तो अन्य वार्डों का क्या हाल होगा, मैं आपको सीधा सीधा लाइव दिखा रहा हूँ। देखिए क्या स्थिति है लोगों का, लोग काफ़ी चिंतित हैं। देखिए क्या स्थिति है, यहाँ तक कि ये रोड के कारण, बड़े गाड़ी चलने के कारण, जमीन दबने के कारण चूंकि रोड सही ढंग से नहीं बना, स्वाभाविक है कि रोड धंसेगा ही और जिसका प्रभाव अगल बगल के मकान पर पड़ेगा, लोगों के घर में पानी घुस जाता है। देखिए क्या स्थिति बनी हुई है, मैं आपको सीधा लाइव दिखा रहा हूँ। ये वार्ड नंबर 1 है, जगह है और क्या दिक्कत है, बिशनपुर है, रोड देख रहे हैं ना, रोड का पोजीशन यह है, सरकार का खाली घर भर रहा है, और क्या कहें हम। क्या दिक्कत होता है रोड खराब होने, दिक्कत खराब होने से चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, लोग घर में पैक रहता है सर, और क्या कहें। रोड बना हुआ है 2018 में, ठीक 2018 में बना, तुरंत रोड टूट गया, सीमेंट का चोरी है इसमें और कुछ नहीं। अगर सीमेंट मजबूत रुक जाता, अगर इसमें छड़ दिया जाता तो रोड सॉलिड होता, लेकिन इसमें छड़ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया है, खाली ईटा बैठा के ढाल दिया। अरे अरे ठहरिए ना, किसके तरफ दिया, किसके तरफ से ये रोड बना था? नन्हे के तरफ से रोड बना। अच्छा अच्छा, करना मुश्किल हो जाएगा, लोग घर में सरता है, बीमारी का दुखी का क्या हाल हुआ, कैसे लोग, कोई रिक्शा वाला नहीं आने के लिए तैयार है, कोई टेम्पू वाला आने के लिए नहीं तैयार है, बताइए। यहाँ से चल के हम लोग रोड पर जाते थे रिक्शा पकड़ते, और रोड पर जाने के बाद क्या कहने कहा जाए। कौन सा वार्ड है ये? ये 1 नंबर वार्ड है।
क्या समस्या हो रही है सड़क के कारण? देखिए ना, अगला साल नन्हे वार्ड पार्षद पर था, वो जिधर नाली बनवाया था, नाली कोई काम ही का नहीं है। अब देख नाली के साल को देख ना, नाली है ना कुछ, यहाँ बारह बारह चक्का आता है, ओवर लोड गाड़ी, उस हिसाब से रोड नहीं है, आता है रोड चिपकी लगा के चल जाता है, रोड धंस जाती है, इसमें क्या बोला जाए। अच्छा, बरसात आने वाला है, क्या परेशानी होगी? सबसे ज़्यादा परेशानी होगी नमाजी नमाज पढ़ने जाने जाए उसको ज़्यादा दिक्कत होगी, सबसे ज़्यादा दिक्कत होगा नमाजी को। बनाने आता है रोड बनाने आता है, रोड सिर्फ साठ के चल जाता है, रोड बनाया ऐसा ही कम से कम कुछ दिन चले, उसकी वजह से सब मकान नीचे हो गया, मकान देखिए मकान पर दब खत्म हो गया, ये तो अब पीछे नए मकान बना लिया अभी है। अच्छा, तो माने रोड का पानी घर में जाता है? रोड हमेशा आता है उसी को बना के चल जाता है, हल्का तो बना माल देता है चल जाता है, बारह चक्का आता है, यानी दो भी घर बनाएगा तो गाड़ी तो आना ही आना है, तो उसकी वजह से रोड खत्म हो जाती है, फिर माल बना डालेगा ऊपर घर खत्म हो जाती है, देखिए सब घर नीचे हो गया है, मैंने परेशानी ही परेशानी है, परेशानी पूरी है नाली की और रोड की ज्यादा परेशानी है, बिजली कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नाला रोड नाली का कोई विकास नहीं है, पूरी दरभंगा बस स्टैंड की पानी पूरी इसी इधर एक नंबर वार्ड में आ रही है, जल निकासी भी नहीं है, एकदम नहीं है। मैंने आप कह रहे हैं कि काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अल्ताफ अंसारी। इसमें परेशानी यही है, जो घर तो बन रहा इसमें छोटा गाड़ी चलने का जगह है, इसमें हाईवे ढुका देता है, लोड गाड़ी पर आप बताइए कि तीन साल में जैसे खड़ंजा का रोड उलट जाता है, उसे ढलैया उलट गया, तो यहाँ तो सब कुछ में घुसखोरी चल रहा है, वार्ड पार्षद है उनको भी रुपया चाहिए, विधायक है उनको भी रुपया चाहिए, यहाँ का बड़े बड़े पदाधिकारी आएंगे उनको भी रुपया चाहिए, रोड के बदला तेड़ में मट्टी दे देता है, आ बस ऊपर से ढाल दिया, न ईटा न पत्थर, हाईवे चढ़ गया है ना उलट गया, सो तो आप भी देखने कहीं ढंग से ले लीजिए। मैंने बड़ी गाड़ी आने के कारण भी ऐसी समस्या हो रही है, यही समस्या है, अभी छोटा गाड़ी रोड है आदमी को चलने वाला, इसमें आप हाईवे ढुका दीजिएगा, 22-22 चक्का चला दीजिएगा, तो इस रोड का क्या उलटिए नहीं। अच्छा, देखिए क्या लोगों का जो समस्या है आप देख रहे हैं, किस प्रकार से शहर रोड की स्थिति है, लोगों का कहना है कि दो तीन साल पहले ये सड़क बना, लेकिन स्थिति क्या है वो मैं आपको लाइव शॉट दिखा रहा हूँ। लोग काफ़ी चिंतित हैं, घरों में पानी घुस जाता है, कई लोगों का ये भी कहना है कि बड़े बड़े जो हाईवा है वो भी इस रोड में चलता है, खैर सड़क है वो तो चलेगा ही, लेकिन जिस प्रकार से हाईवा चलता है रोड पर उस प्रकार से ये सड़क नहीं है, जिसका नतीजा है कि लोगों को समस्या हो रही है। लोगों ने क्या कहा वो भी आप सुनेंगे। दूसरी बात कि नाले का निर्माण सही ढंग से नहीं होने के कारण यहाँ समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, लोगों का चलना मुश्किल है, जैसा कि यहाँ के लोगों ने कहा। अब देखना यह है कि समस्या से कब तक लोगों को निजात मिलता है। देखिए किस प्रकार से सड़क बना हुआ है, नाला नहीं है, नाला है भी तो वो सही नाला नहीं है, जैसा कि लोगों ने यहाँ बताया स्थिति क्या है वो आप देख रहे हैं। अच्छा, क्या समस्या हो रही है सड़क के कारण, क्या समस्या हो रही है? समस्या तो देखिए रोड पे चलने के लायक नहीं है, जैसा फूही हो जाता है तो रोड बंद, रोड से चलना बहुत मुश्किल है। ऐसी समस्या क्यों बनी हुई है? नाला है, नालो है तो नालो, उधर नाले नहीं है, इधर नाला बेकार है। अच्छा, रोड नगर निगम को आप लोग टैक्स देते हैं? बिल्कुल टैक्स देते हैं। और तब सुविधा नहीं है? तब सुविधा नहीं है, न झाड़ू पड़ता है न कुछ होता है, रोड में झाड़ू कैसे पड़ेगा, रोड खराब है, रोड खराब, झाड़ू वाला को क्या बोलेंगे हम, वो आता है झाड़ू देने, कहता है इसमें रोड खराब है, हम कहा झाड़ू दे, कहा नाला साफ। अच्छा, कितना दिन पहले नाला बना था, सड़क बना था यहाँ पर? उतना तो याद नहीं है, तो समस्या दो तीन साल हुआ होगा वार्ड पार्षद बनने से पहले। हाँ, ये लाला के लाला जो बना उससे पहले नन्हे था उस टाइम में। अच्छा, वार्ड पार्षद। अच्छा, मतलब समस्या समस्या ही है, समस्या वही है। कौन सा नाला बना, रोड बना फिर टूट गया। वार्ड नंबर एक है? एक हुआ। क्या नाम है आपका? जाल रहमान। देखिए लोगों ने जो बताया है स्थिति क्या है वो आप स्वयं देख रहे हैं, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ कि क्या स्थिति बनी हुई है, लोगों को चलना मुश्किल है, अगर सड़क नहीं है तो नाला भी नहीं है, और लोगों का ये भी कहना है कि सड़क छोटा है, यहाँ 10 चक्का 12 चक्का 15 चक्का हाईवे चलता है, हाईवा चलता है, जिस कारण लोगों को समस्या हो रही है। वैसे नगर निगम अब क्या करेगी या जो सरकार इस रोड को बनाई है उसे भी देखना चाहिए। देख लीजिए यहाँ नाला भी नहीं है, नाला पर से स्लैब जो है, स्लैब तो है लेकिन नाला नहीं है,
नाला था लेकिन ट्रक के चलने की वजह से नाला बंद खत्म हो गया। लोगों का कहना है कि ट्रक के चलने के कारण नाला खत्म हो गया और देख रहे हैं कि वो नाला का कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ स्लैब है लेकिन नाला नहीं है। पर बड़े बड़े गाड़ी चलने के कारण नाला सिमट गया और नाला बर्बाद हो गया। अब देख रहे हैं क्या स्थिति बनी हुई है, जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है। अब देखना यह है कि समस्या से समाधान कब तक होता है। लोगों ने कहा कि 2-3 साल पहले ये नाला रोड बना था, नाला बना था, लेकिन स्थिति बद से बदतर है। जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ कि क्या स्थिति है। देखिए, ये वार्ड नंबर 1 है दरभंगा शहर, यहीं से शुरू होता है और स्थिति यहाँ की क्या है। अगर ऐसी स्थिति वार्ड नंबर 1 का है तो अन्य वार्डों का क्या हाल होगा, मैं आपको सीधा सीधा लाइव दिखा रहा हूँ। देखिए क्या स्थिति है लोगों का, लोग काफ़ी चिंतित हैं। देखिए क्या स्थिति है, यहाँ तक कि ये रोड के कारण, बड़े गाड़ी चलने के कारण, जमीन दबने के कारण चूंकि रोड सही ढंग से नहीं बना, स्वाभाविक है कि रोड धंसेगा ही और जिसका प्रभाव अगल बगल के मकान पर पड़ेगा, लोगों के घर में पानी घुस जाता है। देखिए क्या स्थिति बनी हुई है, मैं आपको सीधा लाइव दिखा रहा हूँ। ये वार्ड नंबर 1 है, देखिए ये वार्ड नंबर 1 है, सघन आबादी वाला ये इलाका है, शहर यहीं से शुरू होता है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या स्थिति है रोड की। जैसा कि लोगों ने यहाँ कहा कि सड़क नहीं है, यहाँ पर लोगों का चलना मुश्किल है। देखिए ये हम जो काउंसलर जो हुए थे उसके पहले ही रोड बना था, 1 साल पहले के लगभग की बात है, नन्हे के टाइम बना था, समझा ना। उसके बाद उस टाइम में कि जैसे नन्हे इसको ठीक से ध्यान दिया नहीं और ये उतना मजबूती के साथ बनाया नहीं गया, जिससे कि न से बहुत जल्दी कि न से 1 साल के बाद ही पूरा खंड खंड हो गया, जिसको कि न हम ला करके मेयर को भी मैं क्या कहते हैं कि जो हमारी मेयर जो है मोहतरमा उनको ला करके दिखाए भी कि एक ही महीने के बाद बीचों बीच की नज़र फट गया था पूरा, समझा ना। तो हमने उनको कहा भी कि इसका भुगतान रुकवाने का काम कीजिए, कहे कि अभी महीना डेढ़ महीना भी नहीं हुआ है, पूरा रोड बीच से फट गया है, फिर उसका पेमेंट हो गया, न जाने किस कारण हो गया, भगवान जाने नहीं कर सकते हैं। उसके बाद 6 महीना भी नहीं चला, पूरा खंड खंड हो ख़त्म हो गया, इसका 3 बार टेंडर हुआ, अब किस कारण से निविदा नहीं दे पा रहा है आदमी, भगवान जाने। हम तो बहुत कोशिश किए, बहुत सारे ठेकेदार को भी कहे कि बाबू इसमें टेंडर दो और जो हमसे कॉपरेट होगा हम करेंगे। बाद में दो एक ठेकेदार को तो हमने यहाँ तक कहा कि चलो अगर पूँजी भी कुछ घटेगा तो तुमको पूँजी से भी मदद कर देंगे, समझे ना, मगर कोई नहीं दिया, साल भर भी नहीं चला वो। अब बरसात आ गई है, जो स्थिति है इसमें आप किसी भी समाज के किसी भी आदमी से पूछ लीजिए कि उसमें लगभग अभी 2 बार हम उसमें पूरा रोड़ा उड़ा अपना निजी रोड़ा दे करके उसको फिर से किए हुए, मगर मौजूद भी वहाँ पर पता चलेगा, मगर वो कहाँ गायब हो गया। अब समस्या ये हो गया है कि एकदम आना जाना भी अब बंद हो गया, मोटरसाइकिल पाँव पैदल नहीं जा सकता है, मस्जिद में बहुत सारे लोग नमाजी जो हैं वो नमाज पढ़ने भी नहीं आ पाते हैं। तो हम आज से 5-6 दिन पहले गए थे इनसे, हम अपने चीफ से मिलने के लिए, उनसे मिले, सारी बात तो उनको अब बात से अवगत करा है, मगर वो काफ़ी कॉपरेट करने के लिए तैयार हैं। गत पिटीशन लिए, उस पर ऑर्डर किए और सऊद साहब को बुला करके बोले कि इस समस्या का निदान अब तुरंत किन से उपाय कीजिए, कैसे सुचारू रूप से तत्काल पास आउट वाला काम हो जाए, पासिंग हो जाए। तो लगता है कि बरसात से पूर्व जो समस्या है उससे लोगों को निजात मिलेगा। जी हमको तो उम्मीद है कि ये हमारे जो अभी जो आयुक्त महोदय जो आए हैं वो काफ़ी एक्टिव मैन आदमी हैं और बहुत तत्परता से भी जिन्होंने कि से इसको कहे कि एस्टीमेट बना करके देने के लिए, तो हमको लगता है कि कल एस्टीमेट समर्पित हो गया होगा।